इसरो ने बताया कि चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर ने चांद से बेहद अहम जानकारी भेजी है, जिसमें चंद्रमा के साउथ पोल की सतह के तापमान की जानकारी दी गई और इसे लेकर इसरो की ओर से ग्राफ जारी किया गया। इसरो ने ट्वीट कर बताया कि विक्रम लैंडर से जो डेटा मिला उसके मुताबिक चंद्रमा की सतह में कुछ गहराई में जाने के बाद तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई। चांद के साउथ पोल की सतह का तापमान करीब 50 डिग्री सेल्सियस है, जबकि वहां 80 मिलीमीटर की गहराई में तापमान -10 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसरो के मुताबिक चांद के दक्षिणी ध्रुव से ये इस तरह की पहली जानकारी सामने आई है और आने वाले दिनों में विक्रम लैंडर से मिलने वाले डेटा की मदद से वहां के वातावरण से जुड़ी कई जानकारियां सामने आ सकती हैं। आसमान से जेलेंस्की के लिए आज बेहद बुरी खबर आई। यूक्रेन के दो ट्रेनर जेट टकरा गए और इस हादसे में यूक्रेन के 3 पायलटों की मौत हो गई। जेलेंस्की दुखी हैं क्योंकि यही वो पायलट थे जो कल अमेरिका वाले जेट फाइटर F-16 की कमान संभालते। जोश के झूले पर सवार वोलोदिमिर जेलेंस्की को बहुत जोर का आसमानी झटका लगा है। ड्रोन से रूस पर सैकड़ों हमले कर क्रेमलिन टू क्राइमिया को दहलाते दहलाते जेलेंस्की के 3 पायलट खुद ही दुर्घटना के शिकार हो गए। इसे ग्राफिक्स के जरिए समझने की कोशिश करते हैं, इसके बाद प्लेनों के टकराने के कारणों की डिटेल रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। यूक्रेन का पश्चिमी इलाका, 2 L-39 लड़ाकू प्रशिक्षण विमान। दोनों विमानों को ट्रेनी पायलट उड़ा रहे थे, लेकिन देखते ही देखते दोनों प्लेन हवा में ही एक दूसरे से टकरा जाते हैं। फिर जबरदस्त धमाके की आवाज के साथ दोनों प्लेन जमीन पर आ गिरते हैं। पूरे यूक्रेन में खलबली मच गई है। यूक्रेन के एयरफोर्स के हाथ पांव फूल गए कि आखिरकार दो प्लेनों की टक्कर हुई कैसे। फिलहाल इसका जवाब किसी के पास नहीं है, बस संवेदना के शब्द हैं, जिसे जेलेंस्की ने मारे गए पायलटों के परिवार को कहे। आप भी सुनिए। У небі над Житомирщиною сталася катастрофа, троє льотчиків загинули. Серед них Андрій Пільщиков, позивний Джуз, український офіцер, один з тих, хто дуже допомагав нашій державі. Дуже мої співчуття рідним та близьким, усім, хто знав хлопців. Триває розслідування того, що сталося, деталі. Говорити зарано, звичайно, будуть з'ясовані всі обставини. Звичайно, Україна ніколи не забуде кожного, хто захищав вільне небо України. अब आते हैं उन सवालों पर जिसका जवाब नाटो की एयरफोर्स भी ढूंढ रही है। ये दुर्घटना उस वक्त हुई है जब कहा जा रहा है कि आज अगर यूक्रेन के पास ट्रेंड पायलट होते तो F-16 की डिलीवरी अब तक हो गई होती।